अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल में आयज़ा ख़ान की एक्टिंग कमाल की है। बहुत ही खूबसूरत ड्रेसिंग के साथ आयज़ा ख़ान अपनी अदाकारी के भरपूर जौहर दिखा रही हैं और अपने ज़िद्दी और मगरूर कैरेक्टर को बखूबी निभा रही हैं। वहीं वहाज अली की एक्टिंग भी कुछ कम नहीं, खूबसूरत रोल के साथ ज़बरदस्त अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि हनीमून पर जाने के बाद भी मुबशरा और जैद एक दूसरे को ज़बरदस्ती बर्दाश्त कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुबशरा को इस तरह के एटीट्यूड देखने की आदत नहीं है और ना ही आज तक उसने अपनी इग्नोरेंस बर्दाश्त की है, लेकिन जैद के रवैये को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही है क्योंकि इस बार उसे ही शादी निभानी है, ताकि कोई उसे ये ताना ना दे सके कि वो किसी के साथ नहीं रह सकती। मुबशरा को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये बात का फायदा मुबशरा के डैड उठा रहे हैं और उसे बार बार ये याद दिला रहे हैं कि अगर सबके ताने बर्दाश्त कर सकती हो तो वापस आ जाओ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। उन्हें पता है कि इस बार मुबशरा अपना घर बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और वो नहीं आएगी। दूसरी तरफ जैद आयरा को धोखेबाज समझ रहा है और इसी वजह से मुबशरा के उसका रवैया बहुत बुरा होता जा रहा है। जैद के डैड अब भी आयरा और उसके भाई को परेशान कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जैद इस लड़की की वजह से ही सब कुछ कर रहा है। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि जैद और मुबशरा हनीमून से वापस आने के बाद जब दोनों एक दूसरे से उन्हें बेजार नज़र आएंगे और मुबशरा का रवैया भी उन्हें ये बात समझाने के लिए काफ़ी होगा कि जैद मुबशरा को टाइम नहीं दे रहा, तो वो फिर से आयरा के भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आयरा के भाई की गाड़ी के शीशे तोड़वा देंगे। नाज़रीन, यहाँ ऐसा लगता है कि वो आयरा और उसके भाई को इस हद तक परेशान कर देंगे ताकि वो घबरा कर ये घर भी छोड़ कर चले जाएं और जैद इस लड़की को ढूंढ ही ना सके क्योंकि जॉब से तो वो आयरा को पहले ही निकलवा चुके। दूसरी तरफ मुबशरा कशमाला को हर बार धमकी देती है, इस बार भी वो यही कहेगी कि अगर जैद ने मुझे तकलीफ दी तो मैं सुकून से तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी, इसीलिए कह रही हूँ अपने भाई को समझा। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि कशमाला जैद से बात करेगी और यही कहेगी कि मुबशरा के साथ ऐसा ना करें वरना उसका घर भी खराब हो जाएगा, अगर मुबशरा के साथ कुछ बुरा हुआ तो वो मुझे भी यहाँ इस घर में रहने नहीं देगी, भाई प्लीज ऐसे ना करें। जैद कशमाला से यही कहेगा कि मैं उसे पसंद नहीं कर सकता, नहीं रह सकता मैं उसके साथ, लेकिन आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि जैद को अपनी बहन के मुबशरा को बर्दाश्त करना पड़ेगा। नाज़रीन, मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।